बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार माधो और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। तो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का खत्म कर लिए, यानी हम लोग चैप्टर नंबर 6 यानी जिसका नाम था त्रिभुज, उसको हम लोग पूरा खत्म कर लिए। उसके बाद हम लोग आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। इसको आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज को अभी नहीं करेंगे। पहले इस ये जो चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, इसको समझेंगे कि ये आखिर है क्या और इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसमें हमको क्या क्या कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हमारे पास है क्या है, कार्तीय तल। चित्र का नाम क्या है? कार्तीय तल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कार्टिजियन प्लेन, ठीक है। यहाँ पर दो लाइन है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष में यदि आप राइट दाहिने की तो दाहिने और चलेंगे तो सारा आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, कहाँ तक? अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। इधर यदि एक्स एक्सिस का ही हम लोग यदि अपोजिट साइड यानी क्या नेगेटिव साइड मतलब इधर लेफ्ट साइड चलेंगे तो आपका सारा नेगेटिव में वैल्यू आएगा, माइनस इन्फिनिटी तक चल जाएगा, -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी तक। एक्स एक्सिस का काम तमाम हो गया, वाई एक्सिस में चलते वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का भी आप ऊपर चलेंगे तो सब पॉजिटिव आपको मिलेगा, सब धनात्मक नंबर मिलेगा, ठीक है। नीचे यदि चलेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस का आप नीचे चलेंगे तो सारा आपका नंबर क्या इसमें मिलेगा? नेगेटिव में मिलेगा, ऋणात्मक में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे बीच बीच में, बीच बीच में जो आपका जीरो आ रहा है उसका निर्देशांक होता है 0, 0, ठीक है। मतलब उसको हम लोग डिनोट करते हैं 0, 0 से, और उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ये वाला टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये चार टुकड़ा में बट गया, तो ये वाला पहला टुकड़ा इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला टुकड़ा दिख रहा है इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। ये वाला टुकड़ा दिख रहा है इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? इस आपको पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है, तो आपको बताना है प्लस प्लस, ठीक है। सेकंड का, द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश का निर्देशांक प्लस माइनस। ऐसा क्यों हुआ? इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला वैल्यू आपको लिखना है एक्स का, फिर लिखना वाई का, तो एक्स पहले लिखेंगे तो प्लस में, वाई फिर बाद में लिखेंगे प्लस में। इधर देखिए, एक्स का पहले लिखेंगे तो एक्स किसमें? माइनस में। वाई बाद में लिखेंगे तो वाई प्लस में, प्लस में। फिर इधर देखिए, एक्स आपका इधर जा रहा है यानी ये माइनस में, और इधर वाई नीचे जा रहा है ये भी माइनस में। एक्स यहाँ अभी प्लस में, प्लस में, और वाई नीचे जा रहा है माइनस में। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब देखिए क्या लिखा, मूल बिंदु है। कुछ हम लोग यहाँ पर तथ्य आपको याद रखना है, कुछ बिंदु याद रखना है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष, ये सब याद नहीं करना है, ठीक है, मतलब आपको समझ कर रखना है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज या एब्सिसिया कहलाता है, ठीक है। देखिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष ये वाला हो सीधा, इससे आप जिधर चलेंगे वो मतलब यहाँ से आप सीधे चलेंगे, चाहे मतलब या तो आप इधर जा सकते हैं या फिर इधर जा सकते हैं या फिर यहाँ नीचे तरफ भी इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग अभी वाई अक्ष से इधर जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2, 3 ले लिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि वाई अक्ष से यदि हम लोग इधर जाएंगे, मतलब वाई अक्ष से दूरी, देखिए वाई अक्ष से दूरी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। और भुज किसको बोलेंगे? एक्स निर्देशांक। तो आप ढूंढिए कि यहाँ पर इसका एक्स वाला वैल्यू कौन बोले, तो जैसी बात है जो पहले रहता है वही वाला एक्स का वैल्यू रहता है। यहाँ पर भुज क्या है? 2, ठीक है। यहीं पर अगर आपको बोलता है कि यहाँ पर कोटी क्या है, देखिए यहाँ पर किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाता है, जिसको हम लोग कोटी भी बोलते हैं, जिसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, पूरा एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से हम या तो ऊपर जा सकते हैं इधर भी, या नीचे नीचे जा सकते हैं इधर या इधर, ठीक है। तो जिससे यहाँ पर हम बोलेंगे कि आप एक्स अक्ष से चलिए, तो हम एक्स अक्ष ये वाला इससे चलेंगे ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर एक्स का जब हम जाएंगे तो हमको वाई का वैल्यू लेना है, वाई निर्देशांक। वाई का वैल्यू कितना है? पीछे वाला 3। तो यहाँ पर भुज पूछेगा तो कितना होगा? 2। और कोटी पूछेगा तो कितना होगा? 3। यानी आपको भुज पूछेगा तो एक्स का वैल्यू बताना है, और कोटी पूछेगा तो वाई का वैल्यू बताना है। इस तरह का ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो आपको दिमाग में क्या बैठाना है कि अगर आपको भुज पूछेगा, इधर भी दे सकता है, जैसे आपको दे दिया कोई वैल्यू -2 दे दिया है और -5 दे दिया, सॉरी माइनस इधर नहीं होगा, +5 दे दिया, तो आपको पूछेगा इसमें भुज क्या है और कोटी क्या है। तो भुज पहला वाला वैल्यू -2, कोटी क्या है पिछला वाला वैल्यू यानी 5, ठीक है। इसमें मान लेते कोई वैल्यू दे दिया, जैसे आप -3 ले लीजिए और -7 ले लीजिए, तो पूछेगा भुज और कोटी कौन वाला है,
तो भूल जाइए पहला वाला वेरिएबल एक्स का वेरिएबल माइनस थ्री और 41 वाला पीछे वाला वेरिएबल माइनस सेवन। इसमें भी कुछ ले लीजिए, जैसे ले लीजिए आप 4 ले लीजिए और 8 माइनस 8 ले लीजिए, तो पूछेगा भूल और 41 वाला है, भूल है आपका 4 एक्स का वेरिएबल और 40 है माइनस 8 वाई का वेरिएबल। समझ में आ गया? अब देखिए x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप का होता है। अगर आपको बोलेगा x अक्ष पर ही, ये तो हम लोग यहाँ पर ले रहे थे इसका बीच बीच में, अगर आपको बोलेगा ना एक्सिस पर ही लेना है हमको, जैसे हमको किसी लाइन में ही लेना है कोई बिंदु, तो जैसे मान लेते हैं हमको यहाँ पर ले लिया एक बिंदु 3, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? पहले x का वैल्यू लिखेंगे 3 और y का वैल्यू क्या है, y तो हम ऊपर या नीचे तो नहीं गए, तो y मेरा यहाँ ही पर है, ठीक है 0। ठीक है, यानी हम लोग क्या किए, यानी हम लोग क्या किए, x का वैल्यू लिखे और y का वैल्यू 0 कर दिए। कब? जब x एक्सिस में पूछेगा। y एक्सिस में अगर आपको पूछ दे, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y के रूप का होता है, तो y एक्सिस पर ही किसी बिंदु का आपको निर्देशांक पूछेगा। मान लेते हैं यहाँ पर पूछा, बोलो यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या है इस बिंदु का, यहाँ पर मान लेते हैं d लिख दिया और बोल रहा है कि d बिंदु का निर्देशांक क्या है, मतलब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, कैसे निरूपित करेंगे, तो इस बिंदु को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। पहले हम लोग किसका वैल्यू लिखते हैं, x का, तो x हमको मिल रहा है इसमें नहीं मिल रहा है, x का वैल्यू तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू मेरा 0 है। उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं, y का वैल्यू क्या है मेरा माइनस 4। इस तरह से हम इसको निर्देशांक के रूप में हम लोग इसको दिखाते हैं 0, y के रूप में। कितना आपको समझ में आ गया? अब हम लोग और दो पॉइंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको इस वीडियो में हम लोग इतना ही बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अब जो यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है कि जैसे आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये क्या है, एक समीकरण है ना, बराबर में 0 मतलब क्या, एक समीकरण है जहाँ पर ए और बी एक साथ शून्य न, क्या है इसका मतलब कि यहाँ पर ए और बी जब आप इस फॉर्म में लेंगे, देखिए जिस तरह से मान लेते इसको इस फॉर्म में लिखे 5x प्लस 6y प्लस 3 बराबर में 0, इस फॉर्म में लिखे, तो यहाँ पर आप ए के जगह में क्या लिखे 5 और बी के जगह में क्या लिखे 6, तो उसी तरह से आप बोल रहा है कि यहाँ पर कि ए और बी का जगह में आप शून्य नहीं ले सकते। अच्छा, जब शून्य ले लेंगे तो क्या होगा, 0x प्लस 0y प्लस 3 बराबर में 0, तो ये तो 0 से टकराएगा, तो ये तो खुद 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0, यानी 3 बराबर 0। अच्छा, 3 बराबर 0 होता है, नहीं होता है, इसका मतलब आप ए और बी का वैल्यू कभी 0 नहीं ले सकते साथ, ठीक है, ऐसा नहीं कि ए का वैल्यू हम 0 नहीं ले, बी का वैल्यू 0 ले सकते, ऐसा नहीं, तब फिर वो दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, वो हमेशा एक चर वाला होगा। ये एक्स और वाई क्या है, इसको चर बोलते हैं, चर, ठीक है, जो बदलते रहता है, और यहाँ पर ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट, आपको बोल दिया कि ए और बी का वैल्यू 0 नहीं लेना है तो नहीं लेना है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का आपको एक समीकरण मिलता है तो उसका अगर आपको कार्टेशियन प्लेन में यानी कार्तीय तल में आपको उसका ग्राफ बनाने बोलता है उस समीकरण का, तो उस समीकरण का जो आलेख होता है वो हमेशा एक सरल रेखा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 5x प्लस 6y प्लस 3, इस समीकरण का आपको बोलेगा कि आप इसका सॉल्व करके इसका आलेख बना, इस तरह से इसका यहाँ पर इसका निर्देश मतलब यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में दिखाओ इस लाइन, मतलब इसको इस समीकरण को, इसका समीकरण जो होगा ना या तो इस तरह से होगा, या तो इस तरह होगा, या तो इस तरह होगा, है ना, या तो मतलब इसी तरह का कुछ होगा, ठीक है, या तो इस तरह होगा, तो मतलब वो हमेशा क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक सरल रेखा आपको देगा, ठीक है, इस तरह का समीकरण। आप देखिए बोला कि y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx dy प्लस c, इस तरह का जो समीकरण है यहाँ पर x का पावर कितना है, मैक्सिमम 2, तो ये समीकरण क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक, जिसका घात में 2 उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, इसका घात में कितना था 1, x का घात में कितना था 1, इसलिए इसको बोलते हैं एक घात वाला समीकरण। अब दो चर है, x और y दो है, इसलिए x और y यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण, यहाँ पर भी देखिए x और y यानी दो चर वाला द्विघात समीकरण है ये वाला, और वो वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है ना, क्योंकि उसका आलेख आपको एक रेखा में मिल रहा था, हो गया, ये हो गया। अब ये वाला देखिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण का, दो चर वाला द्विघात समीकरण का आलेख अगर आपको जैसे एक एग्जाम्पल दे दे, 6x² प्लस 4x नहीं होगा, वाई होगा प्लस 3 बराबर में 0, ठीक है, तो बोलेगा कि आप इसको ना ग्राफ में दिखाइए, ग्राफ में आलेख बना करके दिखे, इसका आलेख हमेशा या तो इस तरह से होगा, है ना, या तो इस तरह होगा, या तो इस तरह होगा, या तो इस तरह होगा, है ना, इस तरह से होता, मतलब इस तरह का आपको हमेशा इस तरह का कर्व वाला आपको मिलेगा, इस तरह का, इस तरह का, ठीक है, इसको बोलते हैं परवलय, क्या बोलते हैं, परवलय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला, क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है, समझ में आ गया।
बस इतना ही आपको समझना है, यहाँ पर ज़्यादा टेंथ क्लास में कुछ ज़्यादा आपको समझना नहीं है, आपको एलेवन ट्वेल्व जब चलेंगे तो कार्टेशियन प्लेन में आपको इतना ही समझना है, मतलब उसके बाद वहाँ पर थोड़ा और बढ़ जाता है, इलिप्स आ जाता है, ठीक है, वो सब आप बाद में समझिएगा, हाइपरबोला आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर पैराबोला के बाद हाइपरबोला आ जाता है, तो वो सब अभी समझने की जरूरत नहीं है, अभी आप टेंथ क्लास में इतना ही समझ के रखिए। तो यहाँ पर निर्देशन चाहिए थी, हम लोग इसका बेसिक इंट्रो लेकर आए थे, जहाँ पर हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कस किए क्या है, हमको यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है, किस तरह का क्वेश्चन आपका आने वाला एक्सरसाइज में, भूज और कोटी वाला देखो सर याद है ना, उस तरह का आपको बनाने वाला क्वेश्चन है। तो बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज एग्जाम्पल बात करेंगे। तो बस अभी इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।